हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। जब से सीएमए फाइनल दिसंबर 2023 के एग्जाम्स हुए हैं, तब से लगातार मेरे पास में स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर, सीएमए फाइनल लॉ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और एसपीएम बीवी, इन तीनों सब्जेक्ट के पेपर का रिव्यू कीजिए जो कि अभी दिसंबर 2023 में हुआ है। बच्चों, मैं इन तीनों का आज हम इस वीडियो के अंदर इन तीनों पेपर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तीनों सब्जेक्ट के पेपर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पर मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आप एक बार स्क्रीन पर देखें। देखिए, आपको ये स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है। ये लॉ सब्जेक्ट सीएमए फाइनल लॉ पेपर नंबर 13 का आपका पेपर है, जो कि टेस्ट एग्जाम पेपर है, जो कि अभी दिसंबर 2023 10th ऑफ दिसंबर को हुआ है। अब क्वेश्चंस को हम लोग पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, और मैं आप लोगों को इसमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ सीएसआर प्रोग्राम। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम का इन चार जो ऑप्शन दिए हैं, वो कौन सा पार्ट नहीं है, नॉट दी। ये आपके सीएमए फाइनल पेपर 13 जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने लिया है, वो पेपर मैं आपको बता रहा हूं। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं वो टेस्ट पेपर्स पे, जो कि हमने दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर टेस्ट लिए थे। लगातार जिस दिन उन्होंने क्लास परचेज करी, तब से लगातार उनके टेस्ट चल रहे थे। और उसके अलावा फिर फाइनली एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी, उसके अंदर जो टेस्ट लिए थे, मैं एक बार उस पर लेकर चलता हूं। बड़े गौर से देखिएगा प्यारे बच्चों। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मोहित बंसल क्लासेस का टेस्ट पेपर है। और क्वेश्चन पढ़िए, एक्सैक्टली वही क्वेश्चन है जो कि सीएमए फाइनल के पेपर में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ सीएसआर, कौन सा नहीं है, और सेम ऑप्शन से। और यही चीज आपके क्वेश्चन में आई थी। और दिखाता हूं मैं, देखिए अब आप एक बार, पहले मैं आपको ये चीजें दिखा दूं, फिर उसके बाद में मैं पेपर पे रिव्यू करना स्टार्ट करूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 डज नॉट कवर, और नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखिए मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन पढ़िएगा, ये टेस्ट है जो रेगुलर टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के, मोहित बंसल क्लासेस कोचिंग के अंदर रेगुलर टेस्ट होते हैं। इनके आंसर बच्चों की कॉपी चेक करी जाती है, आंसर शीट दी जाती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, लाइव जूम के ऊपर क्लासेस दी जाती हैं कि आखिर किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, वो दिखा रहा हूं। देखिए, सेम क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, सेम क्वेश्चन जो सीएमए लॉ के पेपर में पूछा गया है। उसके अलावा और देखिए, द कंपनी शेल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कितने दिन के अंदर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होता है, कितने दिन में बताना पड़ता है। ये क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट ने पूछा है 10th ऑफ दिसंबर को जो एग्जाम हुआ। टेस्ट सीरीज पर चलते हैं प्यारे बच्चे, एक बार टेस्ट सीरीज पर चलिएगा। देखिए सब कुछ रॉ रखने वाले हैं आपके सामने, इसके अंदर सब कुछ रॉ रखने वाले। देखिए बच्चों क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए,
कंपनी शेल फर्निश टू द रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, सेम क्वेश्चन जो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने पूछा था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज के अंदर पूछा है। और दिखाता हूं आपको, और देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैनर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये इनके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। अब आपको मैं टेस्ट पे लेके चलता हूं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैनर, और वही सेम ऑप्शंस। ये मैंने आपको क्यों दिखाया पेपर रिव्यू करने से पहले, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये हम मोहित बंसल क्लासेस के अंदर रेगुलर टेस्ट लेते हैं। जब से बच्चा क्लास परचेज करता है, से उसके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, उसे टाइम टेबल दे दिया जाता है कि इस दिन इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर का टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद में उसकी आंसर कॉपी चेक होती है, आंसर शीट मिलती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है प्यारे बच्चों, इसका बेनिफिट ये है कि आपके सीएमए फाइनल के पेपर के अंदर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो मैंने आपको लाइव दिखाया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। और क्या बेनिफिट है? और बच्चों इसका बेनिफिट ये है, और इसका बेनिफिट यह है कि जैसे ही बच्चे का जिस दिन एग्जाम होता है, जिस दिन बच्चों का एग्जाम होता है, बच्चा हमें लिखकर भेजता है कि सर अब की बार मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी मेरी प्रिपरेशन हुई है, और मैं अच्छा एग्जाम देकर आने वाला हूं। और ये तो पेपर होने से पहले की बात है, जब पेपर हो जाता है उसके बाद में बच्चे का मैसेज आता है कि सर बेस्ट फैकल्टी हैं आप, और कितने क्वेश्चंस लगातार हमारे पेपर के अंदर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आए हैं, जो आपने अपने क्लास में पढ़ाए थे, जो आपने अपने टेस्ट सीरीज में कराए थे, जो आपने प्रीवियस ईयर के हमें क्वेश्चन बैंक दिया है, पूरा उसको एक्सप्लेन किया है, उनसे एग्जैक्टली सेम चीज हमारे पेपर के अंदर आई है। ये बेनिफिट होता है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, एग्जाम देने से पहले बच्चा बोल देता है सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है, की बार एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है, और एग्जाम होने के बाद में बच्चा बोलता है कि हाँ सर मैंने बोला था कि पेपर बहुत अच्छा होगा, देखिए आपने जो पढ़ाया उसमें से एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हमारे पेपर के अंदर आया, जो मैंने आपको लाइव दिखाया। ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है बच्चों, अगर कोई टीचर आपको पूरा पैकेज देता है, क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ाता है, पूरा स्टडी मटेरियल कवर करता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ा रहा है, आपको सॉफ्ट कॉपी नोट्स हार्ड कॉपी नोट्स दे रहा है, आपको एमसीक्यू के नोट्स एमसीक्यू की क्लासेस दे रहा है, आपको क्वेश्चन बैंक दे रहा है, और उसकी क्लासेस भी दे रहा है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी नोट्स नहीं, उसकी क्लासेस भी आपको करवाई गई है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई गई है, लिखने का तरीका समझाया गया है, उसके अलावा लगातार लगातार आपके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज आ रही है, आपको एग्जाम के टाइम पे मैराथन क्लास दी जा रही है। ये बेनिफिट होता है, जब ये सब कुछ देता है एक टीचर, तब जाकर स्टूडेंट बोलता है बहुत गजब का मेरा पेपर हुआ है। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कोई भी एग्जाम कभी भी हार्ड या इजी नहीं होता, मैं तो नहीं मानता, अगर आप बोलते हो या कोई दूसरा टीचर या कोई भी बंदा बोलता है, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि प्रिपरेशन डिपेंड करती है, प्रिपरेशन के ऊपर निर्भर करता है कि आपका एग्जाम आपको हार्ड लगा, आपका एग्जाम आपको इजी लगा। अगर एक बच्चे ने सच में अच्छे से पढ़ाई करी है, कंप्लीट पढ़ाई करी है, पेपर कैसा भी आ जाए उसको इजी लगता है, और अगर उसने पढ़ाई नहीं करी तो पेपर कैसा भी आ जाए उसको हार्ड ही लगता है। और बच्चों एक चीज और बता दूं, ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है, पर ज्यादा जिम्मेदारी टीचर की होती है, ये पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है, टीचर आपको कंप्लीट पढ़ाए, पूरा स्टडी मटेरियल कराए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए,
सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी नोट्स दे, एमसीक्यूज कराए, उसके नोट्स और क्लासेस दोनों दे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस करी जाए, तब जाकर बच्चों के इस तरह के मैसेजेस आते हैं, बच्चों में ये कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे रैंक लेकर आते हैं, बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, बच्चे सब्जेक्ट के अंदर एग्जम्पशन लेकर आते हैं। और बच्चों अब की बार का ये जो पेपर आया है, अगर आपने जिस तरीके से हमने पढ़ाया, आपने अगर सही से थोड़ा भी क्लास में ध्यान दिया, मैं आपको बोल रहा हूं बहुत 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 अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। और ये मैं नहीं बल्कि बच्चों ने मुझे मैसेज कर करके बताया है जो मैंने आपको लाइव दिखाया, और मैं तीनों पेपर की बात कर रहा हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर, एसपीएम बीबी का पेपर और सीएमए फाइनल लॉ का पेपर, अब की बार अगर बच्चों ने सही से पढ़ाई करी थी। और मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, हमने आज हम इतने दिन बाद क्यों लेकर आ रहे हैं वीडियो, 10 तारीख को पेपर हो गया था, कॉस्ट का पेपर तो न्यू सिलेबस वालों का 11-12 तारीख में हो गया था, आपके पेपर 17 तारीख को खत्म हो गए, आज 22 तारीख है, 5 दिन बाद में क्यों ये रिव्यू वीडियो लेकर आया हूं, इसलिए क्योंकि हमने पहले पूरा एनालिसिस किया, हमने हर सब्जेक्ट के पेपर को अच्छे से चेक किया, हमने चेक किया जो सीएमए फाइनल का इंस्टीट्यूट ने पेपर दिया, और हमने जो बच्चों को अपनी क्लास में पढ़ाया, मैंने ये पाया कि 78 मार्क्स का एक्सैक्टली उठकर आया है, एग्जैक्टली लाइन टू लाइन, जो कि लाइव मैंने आपको दिखाया लाइव। इसीलिए बच्चों, इसीलिए ये जरूरी होता है, और इसीलिए मैं हर बार बच्चों के लिए ये वीडियो लेकर आता हूं, जब भी स्ट्रेटेजी वीडियो है या एक गाइडेंस वीडियो होता है, मैं उसमें बोलता हूं आपको पढ़ना कैसे, आपको पढ़ना है कि पहले आपको देखिए, बच्चों आपको पढ़ना है कि पहले आपको स्टडी मटेरियल जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है वो स्टडी मटेरियल, और वो आपने क्लास जिस टीचर के लिए है ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लास में जो पढ़ा रहा है स्टडी मटेरियल को फॉलो कर रहा है, हम पूरा स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं, अलग बात है कि हम स्टडी मटेरियल की लीगल लैंग्वेज को इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ में पढ़ाते हैं, आपने एग्जाम्पल देखा होगा जेठालाल, तारक मेहता, छोटू, मोटू, पतलू, ऑल दैट, ये सब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले स्टडी मटेरियल, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करें, ये सब टीचर करवाएगा आपको, फिर सॉफ्ट कॉपी नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स आपको मिले, एमसीक्यूज, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार आपके टेस्ट हो, तब जाकर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ पाता है, तब जाकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, और ये इस बात का जो जीता जागता सबूत है वो मैंने अभी आपको लाइव पेपर दिखाया, टेस्ट पेपर। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँ, बहुत बार मेरे से स्टूडेंट्स ने बोला, मेरे जो बच्चों ने हमसे क्लास ली है उनके पेपर के बाद से ही लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर अब की बार तो पेपर बहुत इजी आया, सर अब की बार तो हमने फोड़ दिया, झंडे गाड़ दिए, सर अब की बार तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। पेपर इजी नहीं था, पेपर इजी नहीं था, आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी, पेपर कभी भी इजी या हार्ड नहीं होता है प्यारे बच्चे, हमेशा आपकी प्रिपरेशन होती है, अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी तो आपको पेपर हमेशा हार्ड ही लगेगा। ये तीनों जो पेपर हैं जो हम पढ़ा रहे हैं, इतने अब की बार बच्चों के इतने अच्छे खासे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई गई थी और बच्चों ने बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ में पढ़ा। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए जो ये बोले कि सर हम तो दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जाम ड्रॉप करने वाले थे, छोड़ने वाले थे, लेकिन सर आपने जो ये हमको समझाया उससे हमें एक मोटिवेशन मिला, और सर सच में फायदा ये हो गया हमको कि हमने दिसंबर अटेम्प्ट का जो एग्जाम दिया सर उसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, अगर हम दिसंबर अटेम्प्ट का एग्जाम ड्रॉप कर देते और फिर हम पेपर उनका देखते हाथ में उठाकर, तो हमें सर खुद को दुख होता कि हमने ये अटेम्प्ट क्यों नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों, पेपर बहुत इजी है, बच्चों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है, 78 मार्क्स का हमारे एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नोट्स में से उठकर आया है, एग्जैक्टली नोट्स में से उठकर आया है, और इसीलिए मैं बोलता हूं जो पढ़ाई करनी है वो इसीलिए,
आप बहुत बार मेरे से स्टूडेंट बोलते हैं, सर हम जब आपका कोर्स परचेज करते हैं 6-7 महीने पहले, 10 महीने पहले परचेज करते हैं, तो लगातार हमारे टेस्ट चलते हैं और चलते रहते हैं चलते रहते हैं। हर चैप्टर का आप सेपरेट टेस्ट लेते हो, एक एक चैप्टर का दो दो तीन तीन चार चार बार टेस्ट लेते हो, उसके बाद टेस्ट सीरीज लेते हो, एमसीक्यू के टेस्ट अलग लेते हो। इससे क्या फायदा मिलता है? ये फायदा मिलता है, इससे ये फायदा मिलता है, इससे ये बेनिफिट होता है कि बच्चा एग्जाम देने के बाद में बोलता है मजा आ गया सर, हमने जो पढ़ा आपने जो पढ़ाया एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड हमारे पेपर के अंदर आ गया, मजा आ गया सर। ये फायदा होता है प्यारे बच्चों, ये फायदा होता है। तो स्टूडेंट्स मेरे, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को, अभी कुछ टाइम के अंदर बहुत ही जल्दी ही हम पूरा पेपर के आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, थोड़े टाइम बाद में हम पेपर के आंसर को भी डिस्कस करेंगे। मैं अभी जानबूझ के इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने, अगर किसी ने कोई आंसर गलत कर दिया और यहाँ पर हम उनको आंसर बताएं तो उनको पता लगता है यार मैंने तो पेपर के अंदर आंसर गलत कर दिया, डीमोटिवेट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना है। आप थोड़े टाइम बाद में जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, अभी ताजा ताजा एग्जाम्स दिए हैं आपने, थोड़े टाइम बाद में जब आप नॉर्मल हो जाएंगे उसके बाद में प्यारे बच्चों कंप्लीट आंसर्स यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे, जो भी आपका एग्जाम दिसंबर 2023 में हुआ है। तो बच्चों ये वीडियो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है, ये बताने के लिए बनाई है कि आप जिस टीचर से क्लास ले रहे हो एक बार चेक कर लो, वो पूरा कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार आपके टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर लगातार टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो कोई मजे वाली बात नहीं। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।